दोस्तों आपका हमारे अमेजिंग सीनरी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भारत के चार धामों में से एक रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है, इस मंदिर के इतिहास और रोचक तथ्य के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी इस वीडियो के नीचे आपको अमेजिंग सीनरी नाम दिखाई देता होगा, उसके सामने लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बगल में घंटी है, उस पर क्लिक करें और ऑल पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली ज्ञान से भरी हुई वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे चार धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथस्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस रामेश्वरम मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि इसे स्वयं श्री राम के द्वारा स्थापित किया गया था। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और एक शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये समुद्र की तेज लहरों से कट गया, जिसके कारण ये द्वीप चारों तरफ से पानी से घिर गया था। बाद में रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक जर्मन इंजीनियर द्वारा एक पुल बनाया गया था। रामेश्वर मंदिर के इतिहास को जाने तो रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर चार धामों में से एक है। हिंदुओं के बीच एक मान्यता है कि चार धामों बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, द्वारका और रामेश्वरम यात्रा की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यहां आस्था की डुबकी लगाने का भी अपना महत्व है। मान्यता है कि यहां डुबकी लगाने से सभी रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने श्रीलंका से लौटते समय इस स्थान पर देवों के देव भगवान महादेव की पूजा की थी। उन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम रखा गया। माना जाता है कि जब श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने वहां 30 मील लंबा पुल बनवाया था। रामेश्वर मंदिर के चारों दिशाओं में बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। इस मंदिर के गलियारे को दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है और इसके अंदर 22 कुएं हैं, जिसमें अलग अलग नदियों से पानी लाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे रामेश्वर में खारा पानी उपलब्ध है, लेकिन इन कुओं में मीठा पानी मिलता है। यह मंदिर दक्षिण सभ्यता शैली में बना है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। और रामेश्वरम मंदिर के बारे में रोचक तथ्य को देखें तो हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में रामेश्वरम के नाम को गंधमादन पर्वत कहा गया है। यहीं पर भगवान राम ने नवग्रह की स्थापना की थी, यहीं से पुल की शुरुआत हो गई है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जटा तीरथ नाम का एक तालाब है। श्री राम ने यहां नवग्रह की स्थापना की थी, यहीं से पुल शुरू हुआ, यहां से पुल का निर्माण भी शुरू कर दिया गया था। रामेश्वरम मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यहां स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस स्थान पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करने के पीछे ये भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थ में रामेश्वरम मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी बने हैं और पवित्र जल के 22 स्रोत हैं। हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ स्थल का सबसे पहला और प्रमुख अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर के पास अन्य दर्शनीय स्थल साक्षी विनायक, एकांतराम मंदिर, सीताकुंड, अमृत वाटिका, विभीषण तीर्थ, नंदिकेश्वर, माधव कुंड, रामतीर्थ आदि सेतु हैं। इसके अतिरिक्त यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी नामक स्थान है, जो पितृमिलन एवं श्राद्ध तीर्थ नामक स्थान है। रामेश्वरम मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अधिक ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर से मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखना।